दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में खेले गए इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस की टीम को ना तो जीत मिली और ना ही प्लेऑफ में जगह बना पाई और आईपीएल 2021 के इस टूर्नामेंट से बाहर भी हो चुकी है। तो वही टीम की मालकिन नीता अंबानी इस पर काफी ज्यादा निराश दिखाई दी और उन्होंने अपने बयान में अपनी टीम की गलतियों को उजागर करते हुए अपनी बात कही है। चलिए बताते हैं आपको आखिरकार नीता अंबानी ने क्या कहा, लेकिन उससे पहले आपसे क्या लगता है कि इस बार आईपीएल का खिताब कौन सी टीम जीतेगी, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। आईपीएल 2021 में प्लेऑफ में पहुंचने का मुंबई इंडियंस का सपना टूट गया। मुंबई को आईपीएल के इस सीजन में अपने आखिरी मैच में प्लेऑफ तक पहुंचने के लिए हैदराबाद को 64 रन के अंदर आउट करना था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और इसके साथ ही कोलकाता नाइट राइडर्स इस सीजन में प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बन गई। इस सीजन में सबसे पहले एमएस धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स ने प्लेऑफ में क्वालिफाई किया और वहीं दिल्ली कैपिटल्स ऐसा करने वाली दूसरी टीम बनी। इसके बाद विराट कोहली की कप्तानी वाली आरसीबी ने प्लेऑफ में जगह बनाई और सबसे अंत में केकेआर ने यह कमाल किया। 5 बार की आईपीएल चैंपियन मुंबई इंडियंस की टीम इस सीजन में प्लेऑफ तक में क्वालिफाई नहीं कर पाई। हैदराबाद के खिलाफ मुकाबले में मुंबई ने 20 ओवर में 9 विकेट पर 235 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया और इसे प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के लिए हैदराबाद की टीम को 64 रनों के अंदर समेटना था, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया और कोलकाता ने आराम से प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया। आईपीएल के 14वें सीजन में ये 5वां मौका है जब मुंबई प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई है और 9 बार प्लेऑफ में पहुंची थी जिसमें से 5 बार चैंपियन बनी है। लेकिन वहीं मुंबई इंडियंस की टीम के बाहर होते ही टीम के मालकिन नीता अंबानी का बड़ा बयान सामने आया। मुंबई के टूर्नामेंट से बाहर होने पर नीता अंबानी काफी ज्यादा निराश नजर आई। उन्होंने टीम के बाहर होने का कारण भी बताया। नीता ने कहा कि शुरुआती 7 मुकाबले खेले जाने के बाद हमारी टीम का प्रदर्शन काफी अच्छा था, हमने 7 मुकाबलों में जीत दर्ज की थी, लेकिन दूसरे चरण में हमारी टीम के लिए नकारात्मक कारण ये रहा कि बल्लेबाज ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव आउट ऑफ फॉर्म गए। दोनों ही खिलाड़ी लंबे समय तक टीम के लिए बेहतर नहीं कर पाए जिसकी वजह से टीम हारती चली गई। इसके अलावा टीम का टॉप ऑर्डर भी कुछ इस टूर्नामेंट में खास नहीं कर पाया। रोहित शर्मा के बल्ले से भी बड़ी पारियां नहीं निकली जिसकी वजह से हमारी टीम मुकाबले को जीत नहीं पाई और वहीं सबसे बड़ी बात और अहम कारण रहा बाहर होने का ये कि हार्दिक पांड्या ने इस पूरे टूर्नामेंट में टीम को ना ही गेंदबाजी से अपना योगदान दिया और बल्लेबाजी में तो वो पूरी तरह से फ्लॉप रहे। अगर एक मैच को छोड़ दिया जाए तो इसके अलावा किसी भी मुकाबले में हार्दिक पांड्या के बल्ले से मैच जिताऊ पारियां नहीं निकली। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो दूसरे चरण में सभी खिलाड़ियों का प्रदर्शन बेहद शर्मनाक रहा, फिर चाहे उसमें रोहित शर्मा हो, ईशान किशन हो, सूर्य कुमार यादव हो या फिर हार्दिक पांड्या, सभी खिलाड़ियों के चलते टीम प्ले ऑफ में नहीं पहुंच सकी। वैसे दोस्तों जिस तरह से नीता अंबानी ने अपने बयान में टीम के बाहर होने के कारण बताए हैं, आप सभी को क्या लगता है कि मुंबई इंडियंस की टीम किन खिलाड़ियों के चलते इस टूर्नामेंट से बाहर हुई है? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।